हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वालो भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वालो भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का, पिछली क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट ऑफ मैच्योरिटी विथ अ ग्रेस पीरियड को एड करके कैसे निकालते हैं, इसमें मंथ्स में कैसे निकालते हैं, डेज में कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा था। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में किस तरह का जर्नल एंट्री होता है उसको आज देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, परचेज का एंट्री क्या होता है, सेल्स का एंट्री क्या होता है, बिल रिसीवेबल का एंट्री कैसा होता है, बिल्स पेबल का एंट्री कैसा होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी जर्नल एंट्री में पढ़ रखा है। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे वो सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, फिर आगे चल के सारा इंडोर्स वगैरह सब कुछ करने के लिए चले जाएंगे। चलिए करते हैं क्लास का शुरुआत। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस धमाकेदार सेशन को देखने में आपको काफी मजा आ रहा है, सीख पा रहे हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जरूरत के लोग होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी करके जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी आज पढ़ाई हो रहा है उसका नोट्स आपको अगले दिन वहां पे मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए आज होगा हमारा लेक्चर नंबर हो जाएगा आज आपका 41। लेक्चर नंबर हो जाएगा आपका कितना, 41। ठीक है, चलिए कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे सर? चैप्टर तो आप हमें जो पढ़ा रहे थे चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ, तो सामान खरीदने का, ऐसा बाद में देने का, तो मेरे पता कैसे करने का, इस तरीके से करने का, बदले में मैं आपको बिल बना के देने का और साइन करके देने का, जिस पे आपको भरोसा करने का और 2 महीने देने का। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं आज की क्लास का स्टार्टिंग। चलो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे कि हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री सर पढ़ तो चुके हैं, चलिए आज जो जर्नल एंट्री पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़े थे उसको आज अप्लाई करेंगे। कहां पे बोलो जल्दी, आज हम लोग अप्लाई करेंगे उसको बिल ऑफ एक्सचेंज। काफी इजी है, चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा कर लेते हैं पेन का कलर चेंज, थिकनेस भी बढ़ा लेते हैं, आपको देखने में परेशानी ना होगी। चलिए सपोज दैट यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होता है, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी। आपको अगर याद होगा कि ड्रॉवर कौन होता है, जो सेल्स करता है उसे ड्रॉवर बोलते हैं और जो परचेज कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉई। वेरी गुड, सब आपको याद है। चलो हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आपके बुक्स में भी अवेलेबल है, बुक्स पढ़ ही लेते तो फिर यहाँ पे आने का क्या ही जरूरत पड़ता है, बुक तो पढ़ते बट यहाँ पे खुद को ब्रशअप करने के लिए। वेरी गुड, चलो बाद थोड़ा सा देखते जाइएगा यहां पे किस तरीके से लाइन को ड्रॉ
चलिए यहां लिखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होंगे, और यहां पे लिखेंगे ड्रॉवर को क्या मान ले, ड्रॉवर को मान लेते हैं, कौन मान लेते हैं ड्रॉवर को, और भाई साहब थोड़े से नाराज दिख रहे हैं, और ये हो गए मेरे रोवी भाई खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है okay? ओवर, एक सेकंड थोड़ा सा नाम, और का नाम क्या दे दे यहाँ पे दे दे, और का नाम दे दे, क्या नाम है ओवर का नाम दे दे एक्स, रोई का नाम दे देते क्या, ठीक है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी, यहाँ परेशानी क्या हो, चलो यहाँ पे जो भी जर्नल्स इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है इन द बुक्स ऑफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कलर चेंज करेंगे क्या, जैसे थोड़ा चलिए अब यहाँ सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ड्रॉवर मतलब कौन, सबसे पहले ये बताओ ड्रॉवर मतलब सेलर, कौन सेलर, यहां पे लिख लो सेलर, ठीक है ड्रॉवी मतलब कौन, सर ड्रॉवी मतलब बायर, तो कौन बायर, ठीक है या परचेजर, ध्यान देंगे ये सब बात को, और यही सब बात याद रखने वाली बात है, चलो व्हेन, सबसे पहला व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, जब एक्स ने सामान बेचा किसको, वाई को, देखो ध्यान से एक्स बेच रहा है और खरीद कौन रहा है, वाई खरीद रहा है, तो अगर हम लोग बात करें सेलर के बुक में, तो सेलर के बुक में क्या एंट्री होगा, क्या यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्व है, सर आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व अगर हो जाएगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होगा, यहाँ पे फिर तो उधार का बात ही नहीं, तो बिल कहां से बना, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है जिसके कारण हम लोग को बिल बनाने का जरूरत पड़ रहा है, तो सबसे पहले सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, तो सेलर के बुक में क्या होगा, सेलर आपको क्या कर रहा है, सेलर आपको सामान सेल कर रहा है, तो जब सेलर सामान सेल कर रहा है तो किसको सेल कर रहा है, तो सर वाई को सेल कर रहा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या सेल अकाउंट, क्यों वाई लिखा सर, कैश क्यों नहीं लिखा, बच्चे कैश में नहीं है उधार में है इसलिए नाम लिखा, ठीक है तो यहां पे गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, क्या बेचा गया सामान को, सर क्रेडिट में बेच दिया गया, ठीक है अब यही परचेजर मतलब ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगा, सर जो बायर होगा ना जो खरीदेगा वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डीआर, सबसे पहले क्या ये कैश दिया है, नहीं सर, सबसे पहले एंट्री क्या होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा जल्दी बताओ, एक्स अकाउंट, सर ये एक्स क्यों गया कैश क्यों नहीं गया, क्या कैश पे किए थे क्या आप खरीदने से, नहीं सर बिल ऑफ एक्सचेंज है कैश कहां से होगा, बस फिर नहीं क्या, यहां पे लिखोगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन आर में आप क्या किए, तो ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, बस पता है कंफ्यूज आप कहां पे होते होंगे, जब आपकी टीचर बार बार ये वर्ड यूज करते होंगे ड्रॉवर ड्रॉई पेयर पेई, भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस आपको ये याद रखना है ड्रॉवर कौन है सेलर है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है, ड्रॉई कौन है
रॉय बायर है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है। बायर क्या करेगा? परचेज करेगा। सेलर क्या करेगा? सेल करेगा। उधार में कर रहा है तो नाम जाएगा, सिंपल। उधार में खरीद रहे हैं तो नाम जाएगा, कैश तो इन्वॉल्व है नहीं, खत्म। चलिए सेकंड, चलिए सेकंड नंबर, सेकंड ट्रांजेक्शन आपका यहां पे, व्हेन एक्स रिसीव्ड, एक्स चलो ठीक है, और यहां पे एक्स मतलब कौन है जरा बताना तो? सर एक्स है ड्रॉवर, कौन है? ड्रॉवर है, या फिर इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सेलर, क्या बोलते हैं? सेलर, ठीक है, ड्रॉवर या सेलर। एक्स रिसीव्ड अ बिल duly accepted by इसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था सर, वाई के द्वारा एक्सेप्ट। ड्रॉवर जो है वो बिल बनाता है किसके नाम पे? रॉय के नाम पे, मतलब वाई के नाम पे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात चलेगा कि सर पैसा भी हम ही को लेना है, बिल हम ही बनाएंगे, आपको पैसा लेना है इसलिए आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी है, तो यहाँ पे आपको सुनिश्चित करनी है वो आदमी आपको टाइम पे पैसे तक नहीं देगा। तो यहाँ पे आप बोले हो कि 2 months का मैं तेरे को टाइम पीरियड दे रहा हूँ, मैं 2 months का तेरे पास एक बिल बना के भेज रहा हूँ, तू उस पे साइन कर, उसके बाद ये मैं मान लूंगा कि तू बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर नहीं किया है फिर तो गड़बड़ है, बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन एक्स ड्रॉवर या सेलर रिसीव्ड अ बिल duly accepted by y, y कौन? y मतलब हो गया सर यहाँ पे आपका buyer या फिर Roy, आप अपने जो भी आपको सुविधा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेलर हो तो आप बिल रिसीव करोगे, बिल रिसीव कर लेते हैं सर। क्या एंट्री क्या होता है? क्या एंट्री होता है? बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है बच्चों सर? इसका एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि यहां पे आप बिल रिसीव कर लिए हो। अकाउंट डेबिट टू, किससे बिल रिसीव किए हो सर? वाइज टू वाइज, ठीक है, यहां पे लिखोगे बीइंग एक्सेप्टेंस of bill, ठीक है, नहीं होना। चलिए अब यहाँ पे आप बिल रिसीव किए हो तो बदले में ये बिल पेबल भी तो होगा, किसके लिए सर? जो बायर होगा उसके लिए। तो क्या बिल्स रिसीवेबल अगर डेबिट हो रहा है तो बिल्स पेबल डेबिट होगा? बिल्स पेबल आपका क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? तो हमको बिल किसको भेजना है? एक्स, यहाँ पे X, या फिर आप बोल सकते हो सेलर्स अकाउंट डेबिट, हम लोग नाम ले लिए थे इसलिए ले लेते हैं X अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलो? बिल्स पेएबल, ठीक है, दिक्कत? यहां पे लिखोगे बिंग बिल्स एक्सेप्टेंस is bill accept हो गया है, तो हम bill accept कर लिए, अगर हम buyer हैं तो हम bill accept कर लिए, आपको 2 महीने बाद वापस कर, तो भी bill में date लिखा, ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग last entry जो कि इसके लिए बहुत ही relevant होता है और काफी important होता है, जहाँ पे grace period वगैरह हम लोग calculate करते हैं। बट बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ग्रेस पीरियड कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को बहुत ही आसानी से बताने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, आपका फर्ज इतना ही है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री में बार बार बोल रहे हैं ग्रेस पीरियड देने के बाद ये एंट्री हो,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ। चलो देखो थर्ड एंट्री, व्हेन, रुक जाओ यार गला सूख गया, पानी पी लेते, पी लूं विथ योर ड्यू इजाजत, पी लेने से गले में ठंडक हो जाएगी। चलिए लास्ट एंट्री क्या था, तो लास्ट एंट्री कुछ इस तरीके से था, मैं आप बता रहे थे ग्रेस पीरियड देने का जरूरत पड़ेगा, तो अगर ग्रेस पीरियड देने का जरूरत पड़ेगा तो ग्रेस पीरियड दो ना यार, क्या दिक्कत है, चलो तीन दिन का तो देते ही हो ग्रेस पीरियड। हाँ सर कोई बात नहीं, तो व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, एंड मतलब क्या रखना, अपने पास रखना, Retained by X, X कौन सेलर, X कौन सेलर, till the date of maturity, maturity के date तक क्या किया है वो अपने पास रखा है, and Y जो कि कौन था buyer, pays the amount ऑफ बिल ऑन, पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन, कब मैच्योरिटी में, बिल ऑन मैच्योरिटी के टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया पे करेंगे, मतलब क्वेश्चन समझे, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन समझ रहे हो कि बिल अपने पास जो बायर सेलर जो था वो रखे रखा, और रखने के बाद जब दो या तीन महीने के बाद जब उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी कंप्लीट हुआ, तो मैच्योरिटी कंप्लीट के बाद वो पैसा अब उसको देना पड़ेगा, तो जब पैसा देना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर होगा वो पैसा करेगा और जो बायर होगा वो पैसा देगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा वो चीज समझेंगे। सबसे पहले सेलर का ये है, ये ट्रांजेक्शन जो है सेलर का है, तो जब सेलर का ये ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए, पानी के लिए, तो सर सेलर के लिए यहाँ पे ये होना चाहिए क्योंकि सेलर पैसा रिसीव कर रहा है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है, टू बिल्स वेल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा रिसीव किया है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी डेट में हम लोग बिल को क्या कर लिए, ठीक, लास्ट, अब अगर ये बिल रिसीव किया तो पे कौन किया होगा, सर पे तो किया होगा बायर, तो बायर जब पे किया होगा तो उसके अकाउंट से पैसा तो कटा होगा, सबसे पहले जो बिल्स पेबल को वहां पे वो क्रेडिट किया था यही बिल्स पेबल को डेबिट करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू दिया टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखे बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तब ये एंट्री अपने आप में ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नहीं समझोगे, इतना अट्रैक्टिव वे में लिखने का बस मतलब यही है कि अगर आप नहीं समझ रहे हो ये कॉन्टेक्स्ट, ट्रस्ट मी पूरा का पूरा चैप्टर आपको पहाड़ लगने वाला है, क्या लगने वाला है, पहाड़ लगने वाला है। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या करें, बच्चे हम आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे जर्नल एंट्रीज को पढ़िए, बीच में एक दिन का आपको गैप मिलता है, इसके बाद हम लोग डीके गोयल का कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन टीएस ग्रीवाल से लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन एसके सिंह से लेकर के आएंगे, लेकिन लेकर के जरूर आएंगे, कुछ क्वेश्चन अपना भी बनाया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन बस बात यही है कि आपको ये एंट्रीज बिल्कुल नहीं रटने, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में तो इतना फ्लुएंट वे में आप लोगों को कराया गया है, अगर आप लोगों ने सारे क्लास को किए होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी।
कोई जर्नल एंट्री ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो हम लोग वहां पे नहीं करके, सारा का सारा हम लोगों ने करा। ठीक है, चलिए। तो ड्रॉवर सेलर ड्रॉई बायर, ठीक है, इसमें तीन ट्रांजेक्शन लिखा है। ये तीन ट्रांजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक के लिए हम लोग ये तीन ट्रांजेक्शन सीख लेंगे। और बेसिकली ये तीन ट्रांजेक्शन से विश्वास कीजिए आने वाले समय में जो हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं उसमें बहुत ये हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे जब इंडोर्स करेंगे तो एक दो पार्टी और इन्वॉल्व होंगे, आप एक दो पार्टी और इन्वॉल्व होंगे तो पहले दो पार्टी का तो आप, फिर जो पार्टी इन्वॉल्व होंगे उनका भी एंट्रीज आपको करना, बट बेसिक यही है, दिस इज द बेस बेस। और बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, बेस शुड बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग।